प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और असी पहुँचे गुरुद्वारा श्री पहली पातशाही चवा बाबा गुरु नानक साहिब और जिथे सेवा चल रही है कार सेवा चल रही है रणजीत निगारा वालों और रणजीत ने एज ए हिस्टोरीयन एज ए तवारीखदान मैनू बहुत वधिया लग रहा जिहड़ा काम चल रहा है। तो बाकी दियां असी गल्लां तुहानूं दिखाने कि साडी रीस्टोरिंग टीम जिहड़ी है वह किस तरीके नाल वर्क कर रही है। अपने चीफ आर्किटेक्ट जिहड़े ने रुबाब फातिमा चिश्ती असीं उहनां नाल गल करदे हां और उहनां तों पुछदे हाँ कि अज दे विच सानूं अगले पार्ट दे विच सानूं की दिखाउण लई जा रहे हैं, इस दे विच की स्पैशलिटी है, क्योंकि टैक्नीकल वर्ड मैनू नहीं समझ आती इन्हां दी। सो ये तुहानूं आप ही दसणगे कि ये हुण की प्रोसैस हो रहा, कितने हल्की हल्की खुदाई की जा रही है, कितने रगड़ाई की जा रही है, कितने धोई की जा रही है, तो इन्हों की कहा जाता है टैक्नीकल फील्ड में गल करते हैं। रुबाब फातिमा चिश्ती अस्सलाम वालेकुम जी। जी रुबाब जी, अच्छा आपने बाकी सारा कुछ विजिट किया है, उसमें जो ये पार्ट है दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट दैट वी हैड टू वर्क ऑन, क्योंकि बाकी सब में बेसिकली जो बिल्डिंग है इट वॉज बिल्ट इन टू एरास और हमें इसकी एक फोटोग्राफिक आप कह लें सबूत मिल गया था सॉर्ट ऑफ। हमने एक पिक्चर देखी थी उस एक बुक में, उसमें ये पार्ट बना हुआ था एंड देयर वाज अ होल बिल्डिंग देयर, अब वो डिस्पेंसरी था, लंगर खाना था, वो आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में था। उसके बाद विद टाइम ये स्पेसिफिक सिख आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, ये आप देख लें इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड वे ऑफ डूइंग अ बिल्डिंग, आर्चेज हैं। तो ये सारा ये पहले की बिल्डिंग है ये वाला पार्ट, फिर ये पार्ट बना एंड द थर्ड इंटरवेंशन वाज दिस पार्ट जिसमें स्टेयरवेल जाता है ये जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ़र्क है, ये बिल्कुल फ़र्क जगह है ये, और सीढ़ियों की डिटेल बिल्कुल फ़र्क है, सीढ़ियों की वॉल्स दोनों फ़र्क हैं, और आप शायद देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने वो आर्चेस बनाई हुई हैं। हम कर ही रहे हैं इस पार्ट में कि हमने अव्वल तो हमने इसका फोल्डिंग लगवाई ताकि हम सारी जगहों पर वॉक कर सकें। आप इधर से ही हमने सबसे पहले प्लास्टर की लेयर उतारी है जो आपको नीचे नज़र आ रही है, वो पूरी लेयर उतरी है, पूरा एक एक डेढ़ डेढ़ इंच का प्लास्टर चिप ऑफ हुआ है, क्योंकि ये सारी डिटेल बंद हो गई हुई थी, ये सारा प्लेन था, आपने देखा ही होगा पहले सारी जो पिक्चर, फिर उसमें से ये डिटेल्स निकाली हैं। उसके बाद सारा प्लास्टर जो है, अपना टूल दिखाओ, इस टूल से हम पूरा का पूरा वो चिजल करा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो लड़का जो है उसने पहले उसको स्क्रब किए, ठीक है, और फिर उसके बाद इनका हाथ आगे, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, ध्यान से ध्यान से, इसको हमने इस पे आ जाओ, हाँ इसको हमने गीले ब्रश के साथ साफ़ किया है ताकि चूना अपना रंग छोड़े, हमें बिल्डिंग को थोड़ा टाइम देना है अभी ताकि ये कोई हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते में क्या रंग पकड़ती है, ताकि हमें समझ आए कि आगे फ्यूचर में कितना और टाइम देना पड़ेगा एक डिटेल बना के उसको छोड़ के सारी चीज़ों के। अब ये छिलाई हो रही है, अब क्योंकि कोई है इस पूरी बिल्डिंग में हमें दो डिफरेंट टेक्स्ट मिले हैं जिसको आप फॉन्ट कहते हैं, एक ये, ठीक है, इसका साइज फ़र्क है, एक ये है और एक अंदर है। उसके बाद अब आप ये देखें, मतलब यहाँ पे ये बनना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ये नहीं बन रहा पूरी तरह, स्टार नहीं निकल रहा, और आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये ईंट फर्क है, नहीं 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 साथ पीछे वाली जो है ना सबसे एंड वाली फसाड उस पर निकल आया पूरा, उस पे निकल आया कि ये स्टार का एंड, एग्जैक्टली वहाँ से ही तो हमने आइडेंटिफाई किया, नीचे वाला स्टार है, ये फ्लैट है, उसके नीचे वाला स्टार है। उसके बाद ये एक तरीका है, आप थोड़ा सा आगे आगे हो जाओ, इससे हमें बिल्डिंग बिल्कुल, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर ना कोई लेयर है ना कुछ और है, ये सबसे जो एक्सपोज्ड ब्रिक हमें चाहिए थी ना ये वो वाला पार्ट है, बनेरा कहने आप पहले फ्लोर का जो है, हाँ जी एक्सपोज जितना हमें चाहिए था ना, जितनी सफाई हमने करनी है दैट्स द मैक्सिमम, इसके बाद हमने सफाई नहीं करनी है। ये पूरी आर्च निकाली है, ये पूरा कवर्ड था, आपने जब पहले खिड़की नजर ही नहीं आई, जो पहले ये लेयर चिजल हो रही है फिर उसके बाद उसकी अगली लेयर चिजल हो रही है जिसके बाद ये निकल रही है। अब ये जो हैं,
हाँ जी, अब ये जो है ये उसकी फाइनल इंट निकालना है, इसमें कोई हथौड़ी कुछ नहीं है, ही इज जस्ट डूइंग विद हैंड और उसके पास छोटी चिजल। अब उसने इसके अलावा कोई दूसरा टूल नहीं पकड़ना, तो फिर वो चाहे चार दफ़ा करे या छः दफ़ा करे, उसने निकालना इसी टूल से नीचे वाली जो वॉल है। यानी कि इतना पक्का है, उसको सीमेंट है ना, सीमेंट आपको पता है टाइम लेता ही है। अंदर जो चूने का सारा काम था ना, वो तो लिटरली हमने टैप किया और वो गिरना शुरू हो गया, क्योंकि दीवारें पूरी गीली थी। उसमें से हमने आर्चेस निकाली जो आपने पिछली वीडियो में कवर की थी सारी, उसके नीचे भी आर्चेस हैं जहाँ पे चिप्स हुए हुए हैं, वहाँ पे लाइक बड़ी वाली आर्च है, ऊपर छोटी वाली आर्च थी विद नीश। अब ये पूरी की पूरी आर्च निकाली है। ये ग्राउंड फ्लोर पे जाके तो फिर दिखा, हाँ जी ये अब आप नीचे जाके दिखा लें, उस तरफ हम अभी जा नहीं सकते। बाकी दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, जितना भी हमने काम किया हुआ है रेस्टोरेशन पार्ट का।